का सब्जी बनाएंगे। तो पपीता का छिलका मैंने हटा लिया है और अभी इसको कद्दूकस करेंगे। तो इससे हम कद्दूकस कर लेंगे। पपीता को पूरा मैं कद्दूकस कर लिया है, देखो ये। तो आलू को भी कद्दूकस कर लेंगे इसी तरह। तो इसको अच्छा से धोना है। तो धो के हो गया है, इसको पानी पूरा निचोड़ देना है इसका। अभी थोड़ा देर रेस्ट करने के लिए देते हैं, उसका पानी सब निकल जाए। तो सन्नी से मैंने इसको दिया है, तो सन्नी से निकल जाएगा। तो थोड़ा देर रख देते हैं, साफ कर लेंगे अभी धो के। मछली को मैं हल्दी नमक से मिला देंगे। तो हमारे ज़िले में कल ही खुला है लॉकडाउन, मतलब असम में तो लॉकडाउन था ना, तो अभी मतलब 6 बजे तक दिया है खुला। तो अभी मम्मी सिटी गए थे, बाज़ार गया था, तो मछली लेके आए हैं। नहीं तो मतलब गांव में बड़ी मछली नहीं मिलती है, तो लोकल मछली मिलता है ऐसे। तो अभी मैं हल्दी नमक लगा लिया है। तो मैं अच्छे से फ्राई कर लिया है। अभी पपीते के साथ मतलब सब्जी बनाएंगे, मछली की सब्जी। तो कैसे बनाई है आप देखते रहिए। अभी मैं आग में मतलब सुलह में ही सब्जी बनाएंगे। जो कढ़ाई में तेल था वो यहाँ पे डाल लेंगे। तो प्याज दे दिया है तेल में, यहाँ पर टोमेटो भी हम मिला लेते हैं। ये भुन गया है, अभी मैं वो कद्दूकस किया हुआ पपीता यहाँ पे दे देंगे। इसमें थोड़ा पानी दे दिया है पकने के लिए, तो बाद में सुखा लेंगे। तो अभी थोड़ा टाइम पकने देते हैं। इसमें दे देते हैं मछली। रोज आलू और टमाटर के साथ बनाते ही है, मतलब खाते ही है। तो अभी पपीता के साथ भी कैसा लगा। तो अभी थोड़ा सा चाय भी पीने के लिए मन कर रहे हैं, तो चाय बना लो, सब्जी तो होते रहे। तो चाय हो गया है मेरा, तो भी खाने जाते हैं। तो कसूरी के साथ मैं चाय पीऊँगी। तो मम्मी बाज़ार गए थे ना, कसूरी अभी ले आया था, तो अभी पियेंगे। तो अभी चाय पी रहे हैं, साथ में ही कसूरा भी। तो ये सब्जी भी हो गया है।
कुकर में दाल भी है, वो भी हम तड़का लगा देंगे। तो दाल को भी हमने तड़का लगा दिया है, तो दाल तड़का लगा लिया है पांच फोरन के साथ। तो खाना हम परोस लिया है, तो ये राइस है, ये दाल बनाया था, ये सब्जी बनाया था, और ये आम का अचार। तो अभी खाएंगे, तो खाने के बाद मिलते हैं। तो अभी रेस्ट करके काम वाम करके मेरा फिर से ब्लॉग में आई हूँ। तो अभी मैं पूरा घर का काम भी कर लिया है, तो अभी शाम के 5 बजे है। तो अभी ऐसे ही थोड़ा सा, मतलब ऐसे ही घूमने जाएंगे, थोड़ा सा चाचा का घर में ऐसे जाएंगे। तो अभी चाचा का घर में जा रही हूँ, तो ब्लॉग में अभी ख़त्म कर देती हूँ। तो अगले ब्लॉग में आपको मिलते हैं। तो थैंक यू, बाय।